रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप व्यूवर्स। आज मैं बना रही हूँ आलू मूंगरे। मूंगरे मैंने आधा किलो लिए हैं, 1 किलो आलू लिए हैं और 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप कर लिए थे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, सब्ज मिर्च का पेस्ट है, टमाटर का पेस्ट है। तो सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे। पैन में हम ऑयल डालेंगे। और इसको गरम कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज चॉप किए हुए डालेंगे। ये प्याज और इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, प्याज हमने ब्राउन कर लिए हैं। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह से। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें सब्ज मिर्च और टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये टमाटर का पेस्ट है और ये सब्ज मिर्च का पेस्ट। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्च डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, पिसा हुआ खुशक धनिया डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और हसबे जायका हमने नमक डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेना। ये हमने जीरा डालना है, 1/2 टेबल स्पून जीरा। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ये मूंगरे डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और ये 1/2 ग्लास हमने पानी का डालना है, ये 1/2 ग्लास पानी का डालेंगे। 1/2 ग्लास हमने पानी का डाल लिया। अब हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। जब ये थोड़े नरम हो जाएंगे फिर हम इसमें आलू डालेंगे। अब हम इसको ढक देते हैं ऊपर से। व्यूअर्स, अब हम मूंगरे चेक करते हैं ये थोड़े नरम हुए हैं या नहीं। अभी सख्त हैं। 10 मिनट इनको फिर हम दम पे रख देंगे, ये जल्दी नहीं गलते। व्यूअर्स, मूंगरे हमारे थोड़े नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें ये आलू डालेंगे। 1 किलो आलू लिए हमने, इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको हम हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। अब इसको फिर हल्की आंच पे दम पे रख देना है हमने। व्यूअर्स, आलू मूंगरे हमारे गल चुके हैं। अब इनको हम भून लेते हैं। तेज आंच कर लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये इसमें अभी पानी है, इसको ड्राई करना है।
ऑयल आना शुरू हो गया है इसको। जब पानी सारा खुशक हो जाएगा तो इसने घी छोड़ देना। फिर इसको हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। व्यूअर्स ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लगी वीडियो। बहुत टेस्टी बनते हैं ये। व्यूअर्स सालन हमारा बिल्कुल तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया और आंच को हल्का कर लेंगे। कर लेंगे, ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत प्यारा सालन बना है हमारा, बहुत अच्छा सालन बना है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कैसी लगी वीडियो। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।